मारते थे के बाद मतलब भी साथ में रखनी पड़ती थी। ओ माँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे इसे ही पीटते हो। मुझे तो लाता बुक्के जूते जिस जिस करवट गिरती उस करवट पर मारते थे। ओ माँ, तुम दोनों तो ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम कुछ मारते थे। मेरा मरद तो मेरे को मारता ही नहीं था। जंदे वो माँ जंदे, पुराने बाता पे मट्टी दाल मट्टी। अच्छा हो गया तीनों के तीनों बुड्ढे मर गए। ओ माँ, पुरानी बातें छोड़ कुछ अभी की नई सुना। क्या बताओ वो माँ, जब बहू करके लाई थी ऐसी कैसी मैया जताती थी, और अब तो जैसे नागिन जैसी रसने कुछ आई, और मेरे बेटे को तो ऐसा कैसा हाथ मेच कर ली। ओ माँ, मैं तो जब बहू करके लाई थी तो बिल्कुल गरीब गाय की तरह थी। अब तो लात मारने वाली भैंस बन गई है, और मेरे बेटे को तो जादू में ही कर लिया हो। अब माँ, मेरे भाऊ को तो काम का बोलो थई थई करती, मेरे बेटे को तो जैसा हाथ मेच कर ली वो माँ। वैसे कहाँ बैठे हैं ये दोनों? बैठे होंगे अपने कमरे में गप्पे मारते हुए। अरे ओ माँ, और क्या हाल है ओ माँ तुम्हारा? सुबह से लेके रात तक काम पुर जाता, क्या बताऊँ। ओ माँ, मेरी सास तो ऐसी है कि घर पे जो भी मेहमान आए कि उसने उनके कान भरना चालू कर दिए। ओ माँ, ये क्या लाई है? सिर्फ फल्ले वल्ले? अरे ओ खाला, अपने आँख का इलाज कराओ, ये फल्ले नहीं केले थे। ओ माँ, किसको बोल रही है? पूरे गांव की लाइट बंद करके दिखा, फिर देख सुई में धागा पूरा कर बताती हूँ। क्यों वो माँ, तेको बड़ों से बात करने का अदब नहीं है क्या वो? अजी ओ खाला, आवाज नीचे करो, नीचे ये घड़ा देख रहे हैं ना सर पे माथू की धन करके। अच्छी चाय बनती
हमें हमारे घर के झगड़े घर में ही रखना चाहिए और लोगों को और बाहर लोगों को नहीं बताना चाहिए, जिससे हमारे घर की इज्जत जाती है। और